सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑथेंटिक टेक। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी बाइक पल्सर 150 की जो स्प्लिट सीट है उसको मैं और भी ज्यादा मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूं। ओके, एक स्पोर्ट लुक देने वाला हूं। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी दोस्तों, मैं अपने चैनल पे लगातार वीडियोस नहीं ला पाता हूं। एक्चुअली मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है और जितना टाइम मिलता है मैं सारा का सारा अपना वो टाइम अपनी बाइक को और यूट्यूब को ही दे देता हूं। तो हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपकी हाइट कम है या आपने अपनी बाइक की रेयर हाइट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की रेयर हाइट इंक्रीज ही रहे और आपकी जो मिडल हाइट है, मतलब जहाँ पे आपकी मिडल सीट है, फ्रंट सीट है, उसकी हाइट को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उसी चीज़ का आपको प्रोसेस अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपकी बाइक की हाइट ज़्यादा हो या आपकी हाइट कम हो और आपको अपनी बाइक की सीट को एडजस्ट करना हो, तो इस तरीके से आप अपनी फ्रंट सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपकी हाइट बिल्कुल ठीक है, आपकी भी हाइट सही है और आपकी बाइक की भी हाइट सही है, तो आप अपनी फ्रंट सीट को इस तरह से मॉडिफाई ना करें। आपको एक स्पोर्ट लुक चाहिए आपकी बाइक में और रेयर हाइट को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बाइक की जो रेयर हाइट है वो R15 की तरह से हो, KTM की तरह से हो, या फिर और भी स्पोर्ट बाइकों की तरह से लुक लाइक देखने में लगे, तो आप सिर्फ मेरे इस प्रोसेस को देख करके अपनी बाइक की रेयर सीट को ही मॉडिफाई करें। ओके, इससे आपकी बाइक का जो रेयर हाइट है वो थोड़ा सा इंक्रीज और बाइक का जो लुक होगा वो स्पोर्ट लुक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन मैं सबसे हट की और बिल्कुल ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ताकि मैं आप लोगों को हर बार कुछ नया अपनी बाइक में कुछ नई मॉडिफिकेशन अपने ही हाथ से करके दिखाऊं, ताकि आप भी अपनी बाइक को एक नया लुक दे सकें, एक अच्छा लुक दे सकें। ओके, मतलब जो आपने कहने मतलब जो आपको कंपनी से ऑलरेडी जो लुक मिलता है उसको और भी ज़्यादा स्पोर्ट, और भी ज़्यादा मॉडिफाई। तो मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी दोस्तों, वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी इस तरह की वीडियो नहीं देखने को मिलेंगी, और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो बने रहे मेरे चैनल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी स्प्लिट सीट। तो आज वो दिन दोस्तों आ गया है, देख सकते हैं मेरी ये सीट यहाँ से फट चुकी है, क्रैक हो चुकी है। आज मैं अपनी सीट को और ज़्यादा मॉडिफाई करूँगा, इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा और इसको थोड़ा सा अप करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अपनी ये सीट कवर को खोल लेंगे, और ये देख सकते हैं इस पर कि ये कुछ इस तरह से पॉलीथीन भी लगी हुई है। तो दोस्तों, मैंने मार्किंग कर ली, आप देख सकते हैं, मार्किंग मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, मैंने अपने हिसाब से मार्किंग की है। सबसे पहले मैंने अपनी सीट की ये जो आप आउटलाइन जहाँ से ये इस तरह से डाउन होता है, वहाँ पे ये आउटलाइन मैंने मार्किंग कर लिया। ओके, उसके बाद ये बीच में मिडल की मार्किंग करी है, देन यहाँ से मैंने ये आधे इंच पर रखा हुआ है, वहीं इधर से भी मैंने आधे इंच पर रखा हुआ है, और इधर से भी मैंने आधे इंच पर रखा हुआ है। और दूसरी चीज़, ये लाइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक सीधी, इससे एक इंच की दूरी पर सीधी मैंने एक लाइन ऐसे खींची है, और इससे यहाँ पर ये देखिए ये मैंने 1.25 इंच की दूरी यहाँ से रखी है, 1.25 इंच। इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने ये लगभग 4.25 इंच है। ओके, यहाँ से इसकी दूरी 1 इंच, ये देखिए कितना है, 4.25 इंच है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। एक लाइन और लेंगे इससे आधी इंची ऊपर का। ओके, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। वही आरी ब्लेड है। ओके, देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने कट करके निकाल लिया है। ओके, कोशिश करते हैं अब इसको अपन शेप देने की। चलिए शेप की लाइन भी निशान लगा लेते हैं शेप के लिए भी। ओके, तो चलिए मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग जो मैंने की आप देख सकते हो, आधे इंची का है, आधे इंची का इधर है, ताकि गोल सा लेवल आ जाए अपना। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने किनारे भी कट कर लिया, अब मैं इसको लेवल में कर लेता हूँ। ओके,
तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको कुछ इस तरह का लुक दिया है। ओके, और ये इस साइड से भी आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ये मैंने यहाँ से ये प्लेन रखा हुआ है और वहीं इस साइड भी ये प्लेन रखा हुआ है। एक लुक बनाने की कोशिश करी है, वो जब हम इस पे कवर लगाएंगे आप देख सकते हो, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल ये प्लेन रहे। दोस्तों अब बारी आई है अपने इस वाले सीट की। ओके, तो इस सीट को मैं जो मॉडिफाई करने वाला हूँ उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना ये वाला फॉर्म जो मैंने अपनी सीट में से कट किया है, और ये वाला जो मेरी लास्ट वीडियो के स्प्लेंडर में से मैंने कट करके निकाला था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको अपने को सब कुछ खोलना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। बाहर देख सकते हो मैंने इसको भी, इसका कवर वगैरह भी रिमूव कर लिया, और इसमें भी उसी तरह से ये पिन्नी वगैरह फटी हुई। चलिए अब इस पर फॉर्म ऐड पर काम करते हैं। ये मेरी सीट का जो पोर्शन था उसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, और ये देख सकते हैं ये स्प्लेंडर वाली सीट का है, तो इसको मैंने आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ कर लिया है। ओके, मतलब इसको कर्व कट किया है यूं करके अंदर की साइड से दबाते हुए, और इसको फिर घिस के रब के करके लुक दे दिया है, अंदर का गड्ढे का टाइप का लुक दिया है, ताकि भैया इसके ऊपर इस तरीके से सेट हो सके। ओके, अब रही बात इसकी, ये जो पीछे से थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा दोस्तों। ये मैंने निशान लगा लिया और इसमें ऐड करूँगा इसको। अब मैंने ये देखिए मिडल में से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने आउटलाइन पर लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये मार्किंग इसलिए करी है ताकि मैं इसी के अंदर ही, मुझे इससे बाहर अपनी जो डबल टेप है उसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसी के अंदर अंदर ही मेरे को अपनी डबल टेप का यूज़ करना है। देख सकते हो मैंने इस पर अपना डबल टेप चिपका लिया है। ओके, पूरी अब चिपकाने का काम कर लेते हैं अपने इस फॉर्म के टुकड़ों को। ओके, इसमें सबसे पहले अपना जो भी डस्ट वस्ट है वो हटा लेते हैं। लाइन पे रखते हुए 3 इंच, तो यहाँ भी लाइन पर रखते हुए 3 इंच लगा लेता हूँ। यहाँ से 4.25 दोस्तों लाइन पर रखते हुए, ये देख सकते हैं आप लोग 4.25 है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं लगभग 4.25। ये अपनी होगी मार्किंग, अब हम इसी के हिसाब से इसको कट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसकी रबिंग का काम कर रहे हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है। ओके, ये मैंने इस तरह से अपनी फिनिशिंग दी है इसको। तो मैंने अपनी बाइक में जाके इसको चेक किया, तो मुझे ये जो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लगा, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है कट कर दिया का। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपनी सीट का लुक कुछ इस तरह का है। ओके, ये मैंने सहारे से लगा के दिखा दिया आप लोगों को, और सेम वैसे ही आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसके कवर का अपन कपड़ा काट लेते हैं, और वो कवर का कपड़ा ये है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने मार्किंग कर ली है। ओके, अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। एक्चुअली ये मार्किंग थोड़ी सी गलत है दोस्तों, इसको मैं दोबारा से सही कर लेता हूँ। ये आगे दोस्तों अपने पिछले से इसको रखते हैं ना, और देख लेते हैं शायद पॉसिबल तो है, देख लेते हैं लंबाई ठीक है दोस्तों, दूरी लेके चलेंगे दोस्तों। चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो इसके जो ये बीच का पोर्शन है ये देख सकते हैं आप, इसका मैंने ये पैटर्न सा कट कर लिया, ये कुछ कॉलर टाइप में कटेगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हो ये बिल्कुल कॉलर की शेप में कटा है। ओके, चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं।
देख सकते हो अपनी सीट बन चुकी है। आप देख सकते हो लुक तो बड़ा जबरदस्त आया अपनी सीट का, ये देखिए। ओके, लेकिन राइडिंग पोजीशन कुछ मजा नहीं आया, ऐसा लगा जैसे मैं गड्ढे में बैठा हो। ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा सा लग रहा है, जबकि मैंने बहुत ही पतली लेयर लगाई है, और ये वहीं बहुत ज्यादा डाउन सा फील हो रहा है। ओके, बैठने में ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में बैठे हुए, बाइक पोजीशन राइडिंग की अच्छी नहीं आ रही है। और जिसने इसमें पिन लगाया दोस्तों, उसने भी इतनी टाइट करके लगा दिया है कि मतलब लाइट सा हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं, जबकि मैं चाहता था कि ये खड़ा रहे, तो कुछ ज्यादा ही टाइट करके उसने लगा दिया है। और इसका तो उसने नाश ही कर दिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कहाँ तक कट कर दिया है। तो फिर इसको मैंने ही सही किया हुआ है अपने हिसाब से खींच खींच के। ओके, उसने जैसे तैसे बस पिन लगा दी थी, ये देख सकते हैं आप उसकी लगाई हुई पिन। ओके, ये देखें, ये भी निकल रही है, तो मुझे मज़ा नहीं आया। चलिए अब इसमें फोम ऐड करते हैं और तब देखते हैं फिर। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन का आपको दिखाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं तक बनानी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।